वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और आज यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं फिर से। और बस कल है तीजा, जैसे कि आप जानते हैं अभी मैंने मेहंदी इतनी लगाई है, अब रात में मैं इधर लगा लूँगी हाथ में, और इस हाथ में बनता नहीं है तो इधर मुझे लगा दी थी मान्या ने, तो काफ़ी अच्छी लगाई है, सीखी नहीं है। और आज दिन भर हम लोग बस यूँ ही निकल गया थोड़ी बहुत तैयारी में, पार्लर में कल गई थी तो थोड़े से हेयर मतलब कटवाए थे मैंने, बाल सेट करवाए थे सॉरी, और बस फेशियल करवाया था, ब्लीच कराई थी, तो ये सब करवाया था। और मैं अभी क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, जैसे कि आज है कि एक पंजाबी में कहते हैं सरगी का रहता है, वो सुबह उठ के खाते हैं, लेकिन अब हम लोगों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो रात में ही जो दातुन आती है वो करते हैं। और अभी बना रही हूँ मैं सिमिया की खीर, तो रात में खाते हैं ये 11, 11:30, 12 के पहले कभी भी खा लेते हैं। तो सिमिया की खीर है और मैंने मंगाई है ककड़ी, तो ककड़ी खाते हैं। कहते हैं कि कल दिन भर जैसे पानी नहीं, चाय नहीं, जो लोग नहीं लेते, भाई मैं पानी चाय ले लेती हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए व्रत में, तो पानी चाय वगैरह मैं ले लेती हूँ एक दो बार। और बस तो ककड़ी खाते हैं, तो कहते हैं जो लोग चाय पानी नहीं लेते हैं तो कल दिन भर ठंडक रहती है पूरा, कई लोग तो बहुत कठिन रहते हैं, लेकिन मैं चाय पानी और कुछ भी नहीं लेती हूँ, सच में बोल रही हूँ कुछ भी नहीं लेती हूँ, नहीं खाती हूँ, और चाय पानी तो लेती हूँ क्योंकि उसके बिना नहीं बनता, इतना काम भी रहता है घर में, लोगों का खाना वगैरह बनाना रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ। तो अभी तो मैं बना रही हूँ कोफ्ते एक साइड में, क्योंकि रोटियाँ रखी हुई हैं, जानबूझ के ज़्यादा सेक लेती हूँ जिसे हम बना सीखना पड़े। और बस अभी इधर बन रही है सिमिया की खीर, तो समथिंग तैयार हो गई है, दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है मुझे, ये निकाल लिया था मैंने भगवान का प्रसाद, और बस अब मैं जा रही हूँ तो भगवान का भोग लगा देती हूँ। तो देखिए मेरा मंदिर मैंने जन्माष्टमी पर सजाया था, और जन्माष्टमी पे ब्लॉग नहीं बन पाया था, प्रॉब्लम थी कुछ तो नहीं बन पाया था बस। तो मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, और बिना तुलसी जी के तो भोग नहीं लगता है, शिव जी को लग जाता है बेलपत्र डाल के, लेकिन बाकी भगवानों को तो तुलसी का ही डाल के भोग लगाते हैं। तो बस भोग लगा देती हूँ, मुझे तो चलिए घंटी बजा दिए। गाइस यहाँ अमित भी आ गए थे, देखिए लुक चेंज हो गया उनका, आप बहुत दिन में देख रहे हैं ब्लॉग में, क्योंकि डेली डेली नहीं डाल पाती हूँ, बस नहीं डाल पाती हूँ। और क्यों नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल झूठ बोलना मुझे नहीं आता है, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, और मेरे पूरे ब्लॉगों की एडिटिंग करती है मेरी मान्या, और वो इतनी बिजी हो गई स्कूल कोचिंग ये सब, तो मेरे कई बार वीडियो बने बनाए रखे रह जाते हैं और वो जा ही नहीं पाते हैं, अब वो मुझे सिखा भी नहीं रही है। मैं सीखूंगी, बहुत जल्दी सीखूंगी एडिटिंग करना, क्योंकि आना चाहिए हर चीज़। और बस इनका लुक चेंज हो गया है। और क्या दिलाया है तुमने मुझे साड़ी? इस बार मैं आपको बताऊं तो मुझे तीजा पे 3 साड़ियाँ दिलवाई है। एक साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो हुआ ये वो 1100 की थी, और वो आई, और फिर उसका मुझे थोड़ा सा कपड़ा अच्छा नहीं लगा, चलिए चलते हैं तो उसका कपड़ा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसको रिटर्न में डाली थी, लेकिन अब वो मेरी किस्मत की थी तो रिटर्न नहीं हुई वो। और अच्छा वो यहाँ आ गई, ये जल जाते नहीं तो। और तो एक वो हो गई, फिर एक मैं मार्केट जाके ले आई थी, और एक अभी मम्मी आई थी, अभी आपको मैंने बताया था उस टाइम में नहीं ब्लॉग बन पाया, मेरी मान्या की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर वो जबलपुर में आशीष हॉस्पिटल में एडमिट भी रही है 5 से 6 दिन, तो उस टाइम में मम्मी आई थी मेरी, फिर वो मुझे एक साड़ी दे गई थी, तो ऐसा करके 3 साड़ी हो गई। एक साड़ी मैंने और ऑनलाइन मंगाई थी, तो वो भी हो गई, तो 4 साड़ी इस बार मैंने दी अपनी दी, और चारों में से सिर्फ एक ही रेडी करी है, क्योंकि ब्लाउज़ वाली के पास भी बहुत काम था, तो कहने लगी दीदी मैं एक साड़ी ही दे पाऊँगी, तो नहीं हो पाई। चलिए इधर कोफ्ते अच्छे से सीख चुके हैं, तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, इसकी रेसिपी नहीं दूँगी क्योंकि शायद इसकी रेसिपी पहले से डली हुई है चैनल पर, तो जाके आप देख सकते हैं, सिंपल लौकी के कोफ्ते हैं, जब जिस दिन कुछ नहीं रहता उस दिन ये बनाऊँ। गाइस इधर हो गई थी कोफ्ते की सब्ज़ी की तरी बन के तैयार, और इधर मैंने कोफ्ते निकाले थे, तो बस इनको मैं डाल दूँगी ये, और इधर चावल हो गए हैं, तो चावल को जीरा राइस कर दूँगी बना के, और रोटियाँ रखी हैं, दाल रखी है सुबह की, तो हो जाएगा, सिमिया की खीर बनी गई है, अमित को तो मीठा मिल जाए ना, तो फिर उनको कुछ ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी चीज़ की, और बस ठंडा आ जाए तो राइस कर दूँगी।
जितना चावल सुबह का भी रखा है थोड़ा सा बना रही हूँ इतना सा, तो मान्या को और इनको हो जाएगा क्योंकि मैं चावल नहीं खाती हूँ, शाम को मुझे गैस की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है मेरे को, या सीने में दर्द ज़्यादा होने लगता है गैस के कारण, तो फिर मैंने शाम को चावल खाना छोड़ दिया है टोटल। अगर आपको भी गैस की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल शाम को चावल खाना आप लोग भी छोड़ दीजिए। अब मैंने बीच में छोड़ दिया था फिर चालू कर दिया था, लेकिन अब मुझे नहीं करूँगी क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है और गैस बनती है तो बहुत घबराहट होती है, मुझे यहाँ दर्द होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने चावल शाम को पहले ककड़ी मंगा ली थी मैंने, तो आप भी खाते हैं कि नहीं रात में ककड़ी बताइएगा जरूर। दातून करते हैं, अभी वो दातून आई नहीं है। गाइस हो गई थी गुड मॉर्निंग और सेकंड डेज, आज ट्यूसडे है और तीजा भी है, तो बस कल का ब्लॉग वहीं तक बन पाया था। फिर आगे मैंने मेहंदी लगाई, प्रियंका को मेहंदी लगाने चली गई थी, देखिए मैंने कल मेहंदी लगाई थी। और बस अभी नहा के आ रही हूँ, सुबह का पूरा काम हो गया था, झाड़ू पोंछा सभी कर लिया था समथिंग अब। और मान्या गई है स्कूल तो उसको टिफ़िन बना दिए थे आलू के पराठे, 5 बजे से उठी हुई हूँ मैं भी, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। इधर धोए हैं मिल गए थे और आपको दिखाऊंगी कि मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई थी, लेकिन मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई, ऐसी सिंपल ऐसी डिज़ाइन बनाई थी। और आज मैंने पायले भी पहनी है, मैं पायले नहीं पहनती हूँ कभी, लेकिन आज मैंने पहनी है, मुझे ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा पायले पहनने में, तो इसलिए पतली पतली डाली है, मोटी तो सवाल ही नहीं उठता पहनने का, तो बस अच्छे लगते हैं कभी कभी इस टाइप से भी रहो, और कभी कभी तैयार होना चाहिए, रोज़ तैयार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जब तैयार होते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ यार आज सुंदर लग रहा है, और रोज़ तैयार होकर अगर घूमेंगे तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। तो बस अभी जा रही हूँ मैं कपड़े डालने के लिए, और पूजा करने के बाद मैं चाय पीऊँगी, चाय मैं पीती ही हूँ। और सुबह से मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि नहाने के पहले बात नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, तो इस कारण मैंने और व्लॉग नहीं बनाया, चाहती तो बना सकती थी जब, लेकिन जब बोलना ही नहीं था तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और चलिए डाल देती हूँ कपड़े और फिर मिलती हूँ मैं, और बने रही है मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो मेरी पूजा हो गई थी और हमें पूजा कर रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, आज अभी से मेरा सिर दुख रहा है, दुआ किया मैंने हवन किया तो उसके कारण हुआ है, तो जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। अभी हूँ मैं किचन में और खाना बनाऊँगी, तो आज बना रही हूँ पूड़ी, कल की खीर रखी है, कल खीर बनाई थी, और पूड़ी बना रही हूँ, सब्जी दाल चावल बनाते हैं, कुछ भी अपने को भूखा रहना हो तो क्या खाना तो बनाना है, सुबह आलू के पराठे बना चुकी हूँ। तो गाइस अब वो हो गया था मेरा काम और मैंने खाने का वीडियो नहीं बनाया था, हमने सब्जी पूड़ी दाल चावल ये सब बनाया था, मुझे खाना नहीं है। और आपको मैं एक बात बताऊंगी कि आज अब मुझे पूजा करनी नहीं है, पूजा मेरी प्रियंका कर देगी, आज मेरे यहाँ जो लगी आप मेरे व्लॉग में देखा है जेठानी का जो बेटा है उसके यहाँ बेटा हुआ है आज, तो आज बहुत खुशी का दिन भी है, लेकिन अभी पूजा नहीं करनी है अभी हम लोगों को 6 दिन, लेकिन तैयार होके और व्लॉग तो बना ही सकते हैं। तो बस लकी अर्पिता को बहुत बहुत बधाई, आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उनको बधाइयाँ दीजिएगा, तो उनको बेटा हुआ है आज सुबह 10 बजे, बस व्लॉग बना रही, खाना बना रही थी और उन लोगों का कॉल आ गया था, तो फिर से एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को, हमारे त्रिपाठी परिवार को, आप भी कमेंट्स बॉक्स में सभी को बधाई दीजिएगा। और मैं आज बन गई हूँ दादी, लगती नहीं हूँ बुआ जैसी लगती हूँ, बुआ मौसी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बन तो लेकिन गई हूँ अब दादी। और चलिए अब जा रही हूँ मैं मार्केट, थोड़ा चूड़ी वगैरह लानी थी मैचिंग की, तो जा रही हूँ, तो फिर आप भी वो भी लेकर चल रही हूँ मेरे साथ, तो चलिए। यहाँ के ये है बर्ड्स, देखिए शिवी बोल रहे हैं, शिवी ये शिवी का नाम ले रहे हैं, शिवी तुम्हारा नाम ले रहे हैं क्या, शिवी शिवी यहाँ पर शॉप पे आ गए, अब देखते हैं क्या क्या लेते हैं। Oh.
यहाँ से ले लिया था और जा रहे हैं। गाइस बस मार्केट से आ गए थे मैं और प्रियंका, और हमने मैं फिर उसके बाद वहाँ से मैंने आके बनाई है इंस्टा पे रील, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर मेरी रील देख सकते हैं। और बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, तीजा के शाम हो गई है तैयार होने के लिए। मैंने आपको बताया था पूजा करनी नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी घर में वो जो सोहर रहता है वो लगा हुआ है, तो बस पूजा मेरी प्रियंका कर देगी। और पूजा में जा रही हूँ और मैं यहाँ से सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो आप मेरे सेकंड ब्लॉग में इसके आगे का देखिएगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।